रेडियो नोएडा लोक मंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा खास कार्यक्रम जन की बात, यह स्वास्थ्य से संबंधित है और आजकल जो कोरोना चल रहा है उस दौर में हम विभिन्न बीमारियों से जुड़े हुए डॉक्टरों से आपसे रूबरू कराते हैं। आज इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने नेत्र चिकित्सक डॉक्टर अतुल सिंह जी। मैं अपने स्टूडियो में डॉक्टर अतुल सिंह जी का स्वागत करता हूं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इस समय जो कोरोना काल चल रहा है और यह शरीर के विभिन्न अंगों पर असर डाल रहा है, तो आंख जो इतना संवेदनशील अंग है उस पर इसका क्या असर है, और उसके बाद जो ब्लैक फंगस नाम की जो बीमारी आई है उसका इससे क्या लिंक है, ये हमारे श्रोताओं को बताइए। सबसे पहले तो देखिए, कोरोना वायरस जिनको हो चुका है जी। और जो उनसे रिकवर कर चुके हैं जी, उनको दो स्थिति में परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक तो ये है कि अगर उनको स्टेरॉयड दिया गया है बचाव के लिए जी, स्टेरॉयड से आपका ब्लड शुगर जो है वो बढ़ जाता है, खास करके उन लोगों में जिनको ऑलरेडी शुगर है या जो बॉर्डर लाइन में, तो उस वजह से आंखों का जो नंबर है वो बिल्कुल बदल जाता है। तो बहुत सारे मरीज ये कहते हैं कि कोरोना से मेरी रोशनी कमजोर पड़ती, वो रोशनी कमजोर नहीं पड़ती, वो हाई ब्लड शुगर लेवल की वजह से नंबर का चेंज हो जाता है, तो वो चश्मा जो है काम नहीं करता। तो उनको एक काम करना चाहिए कि ये ब्लड शुगर करा के जब वो नॉर्मल हो जाए तो फिर से चश्मे का एक नंबर टेस्ट करा लें, जिसका कोई असर रोशनी के ऊपर नहीं पड़ता है कोरोना वायरस से जी। दूसरा जो है वो जनरल वीकनेस इसमें इतनी हो जाती है कि वो वीकनेस आंखों के मसल्स में भी आ जाती है, जैसे आपको चलने में दिक्कत होती है या आपको कोई काम करने में तुरंत आप थकान महसूस करने लगते हैं, तो आंखों के चारों तरफ भी मांसपेशियां होती हैं, उनकी भी थकावट बहुत जल्दी हो जाती है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि कोरोना के बाद हम ज्यादा देर पढ़ नहीं पाते, एकाग्र नहीं हो पाते, थोड़ी देर में थकने लगती है आंखें, ये उस कारण से है। और तीसरा जिससे लोग आजकल बहुत भयभीत है, जो आपके मीडिया में भी पेपर में भी टेलीविजन सब जगह आता है, ब्लैक फंगस के बारे में। तो ब्लैक फंगस के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक गलत धारणा है कि ये एक छूत की बीमारी है या एक से दूसरे में हो जाती है, ये भी कोरोना की तरह संक्रमण फैलता है एक से दूसरे में, ये एक से दूसरे में नहीं फैल सकता। ये जो है कि आपकी कोरोना में अगर आपको ऑक्सीजन पड़ा है, आपको स्टेरॉयड पड़ा है, आपको शुगर हुआ था, उसमें आपकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है, और कोरोना वायरस से भी आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता वाली कोशिकाएं हैं वो काफी कम हो जाती है, उस वजह से भी आपकी क्षमता कम हो जाती है। उसमें ये फंगस जो है, फंगस हम फफूंदी एक तरह की होती है, जैसे बारिश में बरसात में अगर बाहर अगर आप एक रोटी का टुकड़ा डाल दें तो उसके ऊपर आप देखेंगे कि फफूंदी जम जाती है। ये उस कैटेगरी का ये संक्रमण होता है, और ये आपके अंदर जो है चूंकि प्रतिरोधक क्षमता आपकी डायबिटीज, ऑक्सीजन और स्टेरॉयड लेने से बहुत कम हो गई है, तो ये पनप जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में ये नहीं पनपते हैं, लेकिन इसमें चूंकि इनका अपर हैंड हो जाता है, आपकी क्षमता कम हो गई है, तो ये पनप जाते हैं। और ये आंखों को सीधे संक्रमण नहीं करते हैं, ये सबसे पहले आपके नाक को करते हैं। अच्छा, नाक सब ये नाक में ही सबसे पहले आते हैं, नाक से, नाक में आपके साइनसेस जुड़े होते हैं जो आपके गाल और आपके आंखों के चारों तरफ हड्डी होती है, उसके अंदर जो है वो भगवान ने आपके सिर को हल्का बनाने के लिए उस अंदर से खोखला बनाया है जी जी, तो उन खोखली जगहों पे ये जाके जम जाते हैं, और वहीं से पीछे की तरफ से आंखों का भी रास्ता होता है, आंखों से भी ये कम्युनिकेट करते हैं, वहां से ये आंख के पीछे चले आते हैं और आंखों की जो गोलाई होती है हड्डी में जिसके अंदर आंख होती है उसको वो अफेक्ट करते हैं। उससे क्या होता है कि सबसे पहले तो जो आपकी मांसपेशियां हैं आपकी आंख को घुमाती हैं दाएं बाएं ऊपर नीचे, वो अफेक्ट हो जाती हैं, जिस वजह से आपको एक चीज दो दिखने लगते हैं, एक आंख से एक चीज दिख रही है, दूसरे आंख से दो चीज अगर आप आंखें घुमाएंगे तो पहला लक्षण ये होता है कि आपको एक चीज दो दिखने लगती है। दूसरा, आंखों में सूजन और नाली और थोड़ा सा आंख लगेगा जैसे बाहर की तरफ निकल रहा है,
काफी लाल हो जाती है और चौथ पीछे तक आया हुआ है, और अगर इसने नर्स को भी पकड़ लिया, जो नर्स आपकी आँख से आपके ब्रेन में जाती है, उसको भी अगर पीछे से इसने पकड़ लिया तो रोशनी भी बिल्कुल चली जाती है। ये आंखों की समस्या नहीं है, ये साइनसिस की समस्या है, जहाँ से ये आँख के पीछे आ जाती है और आँखों को अफेक्ट करती है। अब इसमें घबराने की बात नहीं है, सबको नहीं होता, और सब जिनको स्टेरॉइड पड़ा है या जिनके ऑक्सीजन पड़ा है या जिनको काफी गंभीर कोविड हुआ था, जरूरी नहीं है कि सबको हो। ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता इन चीजों की जैसे कितनी कम होगी, उनमें ही होता है। इसलिए प्रायः देखा गया है लोग दर्द पे जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको कोरोना हुआ और ये सब चीजें हुई हैं तो आपको ये फाइब्रोमायलाइजिस या ब्लैक फंगस हो जाएगा। तो सचेत रहना चाहिए थोड़ा सा भी, अगर कोविड के बाद एक चीज दो दिखे या आँख लाल हो जाए या सूजन आने लगे चेहरे के ऊपर आँख के चारों तरफ, तुरंत किसी नेत्र विशेषज्ञ को दिखा के रूल आउट कराना चाहिए। और उसमें रूल आउट करने के लिए जो सबसे अभी कारगर मेथड है वो सीटी स्कैन किया जाता है साइनसेस और आँख के पीछे का जी। और कंफर्मेटरी डायग्नोसिस जो है नाक से बायोप्सी लेके उसको देखा जाता है कि उसमें फंगस है कि, और इसका इलाज है एंटी फंगल जो है वो ड्रग्स दिए जाते हैं, पहले इंजेक्शन से दिए जाते हैं, मुंह के द्वारा ओरली दिए जाते हैं। तो जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं उसके बाद इसका असर है, कोरोना जब मतलब कितने दिन बाद इसका असर दिखता है या कितने दिन तक इसका वो संभावना रहती है कि अगर आप ठीक हो गए हो तो अगर ये चीजें लक्षण में दिख रही हैं तो उसके बाद ये निश्चिंत रहे कि अब नहीं होगा, ऐसा लोग मान सकते हैं? आप लेके चलिए अगर आपके 3 हफ्ते तक ऐसा नहीं होता है, अब एक बार हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, आपको बता दिया गया कि अब आप ठीक हो, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल हो चुका है, आपका आरटीपीसीआर नेगेटिव आ चुका है, आपकी ताकत वापस आने लगी है, कोई आपको सांस फूल नहीं रहा है, तो वहाँ से आप 2 से 3 हफ्ते लेके चलिए, 3 हफ्ते तक अगर ये नहीं हुआ तो नहीं होगा। अच्छा अच्छा, बट ऐसा ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, हो सकता है 100 में 1 या 2 में उसके बाद भी इसकी वजह से और इम्यूनिटी कम हो गई तो हो सकता है, लेकिन प्राय देखा नहीं जाता। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आजकल स्कूल के जो छोटे बच्चे हैं वो ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं, कभी कोई मोबाइल पे है कभी लैपटॉप पे है, तो उनको कई कई मतलब घंटों तक उस पर टकटकी लगा के देखना होता, तो ऐसे में आँखों की सेहत को कैसे दुरुस्त करें, कैसे ठीक रखें, इसके लिए क्या आप सलाह देना चाहेंगे? इसमें तो ये है कि सबसे पहले तो जो आप लैपटॉप पर अगर करता है बच्चा तो उसकी हाइट जो है उस हाइट को आप बिल्कुल एडजस्ट करें कि बच्चों क्योंकि यूजुअली बड़े लोग यूज करते हैं तो उसकी हाइट डिफरेंट होती है, उनकी लंबाई डिफरेंट होती है, बच्चे की लंबाई के हिसाब से जब वो चेयर कंफर्टेबल चेयर पर बैठे तो उस हिसाब से उसके सिर के सामने होना चाहिए स्क्रीन, उससे बहुत ऊपर या नीचे नहीं आना चाहिए जिसके उसके गर्दन पे दबाव नहीं है। दूसरा है एक प्रॉपर डिस्टेंस, बहुत बगल में जाके नहीं देखें, कम से कम 2 या 2.5 फीट की दूरी से ही देखें। अगर लगे कि पेरेंट्स को कि उसको बहुत अच्छे से दिख नहीं पा रहा है तो फॉन्ट साइज बढ़ा दें ताकि वो दूसरे भी देख सके उस चीज को। और तीसरा है कि एट ए वन स्ट्रेच एक बार में, अब जैसे उसने सपोज करिए 1.5 घंटे 2 घंटे अपना उस पर पढ़ाई की, उसके बाद जो ब्रेक मिले 2 क्लासों के बीच में है उसमें अपनी आंखों को हल्के से मचल के अपने हाथों से दूर कहीं देखने की कोशिश करें, वहां से हट जाए। ये नहीं कि जो गैप मिला है उसमें भी कुछ देखने लगे स्क्रीन पे या अपने फोन पे ऐसे चेक करने लगे या कुछ करने लगे। 5 मिनट 10 मिनट जो भी गैप मिला उसमें आंखों को पूर्ण आराम दीजिए, दूर देखे बच्चा, नजदीक नहीं देखे, दूर कहीं अपने कमरे में खेले, पानी पिया के पिया है, कुछ भी करे, जिससे कि आंखों के वो डिस्टेंस वाली मसल जो है वो रिलैक्स रहे, नजदीक वाली जो ओवर टायर्ड हो गई है 1.5 घंटे में उनको कुछ आराम मिल जाए। और तीसरा है कि स्क्रीन की ब्राइटनेस जरूर चेक कर लें, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा नहीं हो, प्राय देखने में आता है कि वो बहुत ब्राइट करके रखते हैं स्क्रीन, और उसी में फिर ये चश्मे वाले कहते हैं आप ड्यूपर्क्स लेंस के ग्लास लगा दो, नहीं तो ये कर दो वो कर दो, वो बेसिकली इस ब्राइटनेस को ही कम करता है, वो चश्मे में कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है, उसकी ब्राइटनेस को डिप कर देता है।
तो आप आराम से जाके अपने कंप्यूटर कंट्रोल से जाके उसको खुद ही डिम कर सकते हैं और बहुत ब्राइट नहीं रखें। और एक लुब्रिकेंट जरूर डाला करें कि बच्चा एक तक देखता है, उसकी जिज्ञासा इतनी ज्यादा होती है कि वो पलक झपकाना भूल जाता है, तो आंखें थोड़ी सूखने लगती हैं, क्योंकि आंखों को गीला रखने के लिए पलकों का चलना बहुत जरूरी है। तो कोई भी रिफ्रेश टीयर्स या कोई भी आंखों का जो है लुब्रिकेंट आता है ऑफ द काउंटर मिलता है जी, वो एक दो बार बच्चे को डाल दिया करें क्लास के बाद, उससे ज्यादा और कुछ जैसे आँखों को धोने की जो तरीका है वो क्या है? अमूमन बहुत सारे सीधे कभी कैसे धोते हैं कभी कैसे धोते हैं, तो उसके क्या है तरीका? आँखों को धोने का देखिए सबसे अच्छा जो तरीका है, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि आँखों के लिए भगवान ने सबसे अच्छा जो फ्लूइड दिया है वो आपके आंसू में, उन आंसू में सब चीज है, उसमें एंटीबायोटिक भी है, उसमें लुब्रिकेशन की भी चीजें हैं, उसमें गीला रखने की भी क्षमता है, सब कुछ है उसमें, उससे अच्छी चीज दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन ये बचपन से एक आदत बना देते हैं लोग कि आँख खोल के धोना शुरू कर देते हैं, आंखें खोल के आँख के अंदर पानी डालना शुरू कर देते हैं, वो गलत है बिल्कुल। आँखों को बंद करके ऊपर से छींटे मारिए और जो आँखों के कोर है उनको फिर आप उंगली से साफ कर लीजिए, आँखों को खोलिए, क्योंकि आप अगर खुले आंख में पानी डालते हैं तो आपका वो जो आंसू है वो सारे डाइल्यूट हो जाते हैं, उसकी सारी जितनी भी क्षमता है वो हट जाती है। जी जी जी। दूसरी, आप पानी के लिए श्योर नहीं है कि पानी का जो सप्लाई आ रहा है आपके पेशेंट में वो कितना शुद्ध पानी है, जितनी गंदगियां है, आप ऊपर जाके अपने टंकी को देखिए तो पता चलेगा कितनी गंदगियां है, अरे कोई मिनरल वाटर से तो साफ करता नहीं आप। जी जी जी। इसीलिए आँख बंद करके करें। और ये जानवरों की आंखें हमसे बहुत अच्छी होते हैं, वो अपने आँख कभी धोते नहीं, आंसू से ही धोते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल डॉक्टर साहब ये है कि आजकल कोरोना की वजह से लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और उसकी वजह से उन्हें सुबह से लेकर शाम तक 8-8 घंटे 9-9 घंटे, बड़े लोग भी हैं चाहे युवा भी हैं जो मतलब अभी यूथ अभी नौकरी पर लगे हैं, तो उनकी आंखों को भी इस दौरान काफी थकान महसूस होती होगी, तो उनके लिए क्या आप सलाह देंगे? उनके लिए सलाह यही है जो मैंने बच्चों के लिए दिया कि अपने आवर्स फिक्स करिए। अगर आपके कंप्यूटर और लैपटॉप की अवधि बढ़ गई है लॉकडाउन की वजह से जी, तो आप जो रात में बैठ के 12-1-2 बजे तक फेसबुक और इंस्टाग्राम और ये यूट्यूब देखते हैं उसमें कटौती करिए, टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, जिससे क्या आपकी आंखों को आराम मिले। अब आंखें भी एक तरह की मशीनी है, आप उसको अगर रातें यूज करेंगे तो सुनने की थकान होगी और आपको परेशान करेगी, तो थोड़ा सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा अगर घर से करने हैं तो। आप देख स्क्रीन टाइम को जो एक्स्ट्रा टाइम है उसको थोड़ा कम करिए। मैंने देखा है पेशेंट आते हैं वो 5-6 बजे तक तो अपने ऑफिस का करते हैं, फिर वो शुरू हो जाते हैं अपने दूसरी एक्टिविटी को उसी पे, फिर रात में सोने के पहले फिर वो 2-3 घंटे उसी पे लगे रहते हैं, तो इसको थोड़ा सा अपने पर कंट्रोल रखिए तो कोई समस्या नहीं रहेगी। अच्छा, एक चीज और मैं पूछा जा रहा था कि जो नींद का और आंखों से क्या तालमेल है, ये एक बड़ा जो आजकल लोग नींद कम आती है बहुतों को, और उसके लिए क्या तरीका है कि बेहतर नींद आए वो अच्छा रहे? बहुत बड़ा इनका संबंध है, अगर आप खुद आप 2-3 दिन मत सोइए और देखिए आपकी आँख की क्या हालत हो जाती है जी, आँखें झपने लगेंगी, आँखें फोकस ठीक से नहीं करेंगी, आँखें बंद होने लगेंगी नींद की वजह से, आपका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा क्योंकि आपका दिमाग भी स्ट्रेच नहीं होगा, तो नींद तो 6-8 घंटे की नींद हो सकता है किसी को 6 घंटे में ही हो जाए वो पूरा, किसी को 8 घंटे में, लेकिन 6-8 घंटे की नींद जो है एक एडल्ट के लिए बहुत जरूरी है, खाली आँखों के लिए नहीं, सारे शरीर के लिए, दिमाग के लिए, आपके हार्ट के लिए, सब सब चीजों के लिए जी। अब नींद आए कैसे, तो सबसे पहले उपाय ये है कि फिक्स टाइम रखिए, एक टाइम पे सोना है, एक टाइम पे उठना जी। किसी दिन अगर आप 10 बजे सोते हैं और किसी दिन 11 और किसी दिन 12 बजे तो आपको नींद नहीं आएगी, आपका रिदम नहीं बनेगा और उठने का भी रिदम नहीं बनेगा, किसी दिन आप 5 बजे उठेंगे, किसी दिन 7 बजे, किसी दिन 9 बजे जी जी। एक फिक्स टाइम में सोइए, फिक्स टाइम पे उठिए, पहले जो भी आपको सूट करता है जी, 10 बजे सूट करता है तो ठीक है, 12 बजे सूट करता है, बट आपको 6-8 घंटे की नींद रोज उसी समय लेनी है।
जी दूसरा सोने जाने के पहले स्क्रीन कभी नहीं देखें, क्योंकि स्क्रीन देखने से मानसिक उत्तेजना होती है जी, तो जो आपकी शांति एक दिमाग में बनी रहती है जो धीरे धीरे आपको नींद की तरफ ले जाती है और सारा डिस्टर्ब हो जाता है, तो फिर आप जो है करवटें बदलते रहिएगा आधे घंटे एक घंटे तक, नींद जो नहीं आती, इसका जरा ध्यान रखिए। आपने रेडियो नोएडा लोक मंच को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, खास तौर पर आँखों को कैसे बचाएं, ये आपने महत्वपूर्ण जानकारी लोगों को ले दी। मुझे उम्मीद है कि लोगों को ये पसंद आएगी। डॉक्टर अतुल सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।